आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान, 14 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। राहुल को चौकीदार पर फिर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, एमपी में राहुल ने लगवाए चौकीदार चोर है के नारे। कोलंबो में आईएसआईएस ने किए थे सीरियल ब्लास्ट, बम धमाकों में 321 लोगों की हुई मौत जबकि 450 से अधिक घायल हैं अस्पताल में। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल से नॉमिनेशन फाइल किया, आलोक संजर बने डमी कैंडिडेट। और दिग्विजय सिंह के मंच से युवक ने की मोदी की तारीफ, युवक को मंच से धक्के देकर भगाया गया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान हुआ। इस चरण में 14 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सपा नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता शशि थरूर और अन्ना हजारे ने भी मतदान किया। तीसरे चरण के मतदान में आज सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहीं। उन्होंने अहमदाबाद में अपनी मां से आशीर्वाद लिया और उसके बाद वे मतदान करने गए। आज असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में मतदान हुआ। गुजरात की सभी 26 सीटों पर इस चरण में वोटिंग हुई। जिन सीटों पर पूरे देश की नज़र है उनमें गांधीनगर और वायनाड सीट शामिल है। गुजरात के गांधीनगर से भाजपा अध्यक्ष शाह मैदान में हैं, जहाँ से अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे। वहीं केरल में वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल की तिरुवंतपुरम सीट से मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में सपा नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार के 4 सदस्यों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर 3 चर्च और 3 होटल सहित 8 बम धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ले ली है। इन बम धमाकों में 321 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि 450 से अधिक लोग घायल हैं। श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ होने की आशंका खुफिया एजेंसियां पहले से ही जाहिर कर चुकी थी। इस्लामिक स्टेट समर्थक कुछ टेलीग्राम चैनलों पर सोमवार को 3 कथित आत्मघाती हमलावरों की तस्वीर जारी की गई थी। इसके बाद से साफ हो गया था कि सीरिया में वजूद खत्म होने के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने श्रीलंका का रुख कर लिया है। टेलीग्राम चैनलों ने तीनों कथित आत्मघाती हमलावरों का नाम अबुल बर्रा, अबुल मुख्तार और अबू उबैदा बताया है। खुफिया अधिकारियों का यह शक इसलिए भी गहरा रहा था क्योंकि एक महीने पहले ही इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू हसन अल मुजाहिर ने अपनी एक ऑडियो जारी किया था। इसमें उसने मुसलमानों से न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमले का बदला लेने की बात कही थी, जिसमें एक बंदूकधारी ने मस्जिदों पर हमला कर 50 लोगों की हत्या की थी। स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रूबान विजे वारडेने ने संसद को बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि श्रीलंका में रविवार को जो हुआ वह न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर किए गए हमले का प्रतिशोध था। इन आतंकी हमलों से पहले ही भारत ने श्रीलंका को 4 अप्रैल को खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी वहां आतंकी हमले की घटना को टाला नहीं जा सका। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले बयान पर अब तक राहत नहीं मिली है। सोमवार को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए अपने बयान पर खेद जताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके इस खेद से संतुष्ट नहीं है और उन्हें फिर से नोटिस जारी किया है। मामले में अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को राफेल केस के साथ ही होगी। कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है।
राहुल गांधी के खेद वाले जवाब को लेकर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कैंपेन 18 महीने से चल रहा है और हम इस पर अब भी कायम हैं। वहीं राहुल के बयान पर आपत्ति दर्ज करने वाली भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने मान लिया है कि उन्होंने गलत बयान दिया है, राहुल ने मान लिया है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अपने जवाब में उन्होंने खेद ब्रैकेट में लिखा है, हमारे हिसाब से यह माफीनामा नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने लेखी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि यह चौकीदार कौन है जिसे चोर कहा जा रहा है। इसके जवाब में रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जबलपुर में चौकीदार चोर है के नारे लगवाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा राफेल में बड़ा घोटाला हुआ है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं की। उनके मुंह पर फिर वही राफेल और फिर वही चौकीदार चोर है की बातें बार बार सामने आई और राफेल डील पर उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को कोसना शुरू कर दिया। बस चौकीदार बोलना, देखो क्या होता है, एकदम चोर है चोर है चोर है चोर है, पूरा पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगली बार नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण देने आएंगे, आप उनसे पूछना भैया 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी की जेब में डाले, जरा यह बताइए चौकीदार जी, अनिल अंबानी ने आपको क्या दिया, क्या दिया आपको? 30,000 आपके 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले चौकीदार जी, अनिल अंबानी ने चौकीदार को क्या दिया, ये जरा बताइए, ये पूछना उनसे। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। नामांकन भरने से पहले साध्वी ने रैली में दिग्विजय को जमकर कोसा और कहा दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंक कहकर हिंदुत्व को कलंकित किया है। भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने अपना नामांकन दाखिल किया। साध्वी प्रज्ञा के साथ पूर्व सांसद आलोक संजर ने भी डमी फॉर्म भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रज्ञा ठाकुर ने कर्फ्यू वाली माता के दर्शन की और रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय को जमकर कोसा। साध्वी ने जहां खुद को सन्यासी बताया, वहीं दिग्विजय सिंह को भगवा को आतंकी कहने का आरोप लगाया। साध्वी ने कहा कि कांग्रेस कह चुकी है कि उनकी डिक्शनरी में हिंदुत्व शब्द ही नहीं है। साध्वी ने कहा कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है। साध्वी ने नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। आप भारत माता की जय बोलिए। हिंदुत्व और विकास, इनका कहना है कि हिंदुत्व तो हमारे एजेंडे में है ही नहीं, हिंदुत्व तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, इनके जीवन में हिंदुत्व नहीं है, ये तो मैं स्वतः प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसकी। यदि ये हिंदू होते तो एक संत पर सन्यासी पर अत्याचार नहीं करते, यदि ये हिंदू होते तो समाज को बांटते नहीं, अगर ये हिंदू होते तो समाज में किसी भी प्रकार से कोई महिला पीड़ित नहीं होती।
भाजपा में लोकसभा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर नामांकन भरने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं वो साथ में हैं, प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ में यहाँ राकेश सिंह जी जा रहे हैं और जो विधायक हैं कृष्णा गौर भी साथ में है। यहाँ प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में सब नामांकन भरने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं ये बताया जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर जी आज 3 बजे तक नामांकन भरेंगी। यहाँ पहले कर्फ्यू माता मंदिर पर उन्होंने आशीर्वाद लिया माता का और फिर उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के बाद अपनी ताकत के साथ वो जन दल बल के साथ अपने नामांकन भरने जा रही है। कलेक्ट्रेट आप देख सकते हैं ये कारवां एक काफिला जा रहा है जो कि संतों का भी काफिला है, समर्थकों का भी काफिला है। यहाँ भगवाधारी है दिव्य सिंह के बयान के बाद, भगवा आतंक के बयान के बाद यहाँ साध्वी प्रज्ञा बड़े कठोर शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया था कि ये जो भगवा को आतंक घोषित किया गया उसके खिलाफ ये लड़ाई है, देशद्रोह के खिलाफ लड़ाई है। ये आप देख सकते हैं कि इनके समर्थक हैं। अब देखना ये होगा कि जो समर्थक हैं हमारे पीछे देखे जा रहे हैं वो संत भी हैं, वो साधु संत भी हैं, वो बाहर से भी आए हैं समर्थक। वो दिग्विजय सिंह को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के साथ भोपाल की जनता दिखाई दे रही है। जो काफिला नज़र आ रहा है अपन को देखने को मिल रहा है वो उसमें काफ़ी भीड़ काफ़ी संख्या में लोग नजर आए। आप सभी को 23 तारीख के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। क्या रिजल्ट आएगा यह देखना होगा, बीजेपी जीतती है या कांग्रेस। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। नामांकन से पूर्व रैली में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह पर तीखे हमले किए। शिवराज ने कहा दिग्विजय ने भगवा को कलंकित किया। शिवराज ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कमलनाथ ने कहा था वो बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी तक किसी को भी नहीं मिला और ना ही बुजुर्गो को पेंशन मिली। कांग्रेस झूठ बोलती है, कमलनाथ युवाओं से ढोर चरवाएंगे, बैंड बजवाएंगे। साथ भी क्यों प्रज्ञा जी, मेरी गुरु बहन है, एक गुरु से हमने दीक्षा ली हुई है। सुनो दिग्विजय सिंह, सुनो राहुल गांधी और सारी दुनिया सुन ले, तुमने षड्यंत्र किया था, तुमने पाप किया था भगवा को आतंक से जोड़ने का, भगवा को कलंकित करने का, हिंदुत्व को बदनाम करने का। हमने संबल योजना बनाई थी, इनके वादे तो पूरे किए ही नहीं, नौजवानों को रोजगार दिए नहीं। बड़ी बात राहुल बाबा करते थे, मोबाइल की फैक्ट्री लगाऊंगा, लगाई मोबाइल की फैक्ट्री, रोजगार दूंगा। हमने कहा कमलनाथ भैया रोजगार बताओ कौन से दे रहे हैं, बहुत अच्छे ढूंढ के लाए, उनका बताओ तो फोन कराओ बैंड बजाओ। उधर कांग्रेस का कहना है कि जब से प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है तब से बीजेपी सकते में है। साध्वी के विवादित बयानों से बीजेपी डरी हुई है। साध्वी के बयानों के कारण बीजेपी ने आलोक संजर को डमी फॉर्म भरवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है कहीं ना कहीं वो पशुपेश में संकट में है कि जिन्हें उम्मीदवार बनाया लगातार वो विवादास्पद बयान दे रही है। कभी हेमंत कतरे की शहादत का मजाक उड़ा रही, जिसको लेकर भाजपा को यू टर्न लेना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ी। उसके बाद जिस प्रकार से बाबरी ढांचे को लेकर उन्होंने बयान दिया है, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी विवादास्पद छवि, विवादास्पद बयान और उनके ऊपर लगे आपराधिक मामले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता में नकारात्मक छवि जारी, इसलिए आलोक संजर को डमी के तौर पर भरा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते तक नामांकन की आखिरी तारीख तक प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवारी से हटा के आलोक संजर को दे दे, इसलिए डमी के तौर पर उनको उम्मीदवार बनाया गया। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची तो एनसीपी के कार्यकर्ता ने उन्हें काला झंडा दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद वो भागकर एसडीएम ऑफिस में घुस गया और गुस्साए प्रज्ञा समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस में घुसकर उसे पीटा। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया। साध्वी प्रज्ञा के नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा हुआ। एक एनसीपी कार्यकर्ता ने जब साध्वी प्रज्ञा को काला झंडा दिखाने का प्रयास किया तो उसकी प्रज्ञा समर्थकों से झड़प हुई। इसके बाद ये शख्स एसडीएम दफ्तर में घुस गया जहां से बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस ने उसे बाहर निकाला। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर हिंदुत्व का राग छेड़ा। उन्होंने कहा कि जब सनातन संस्कृति पर कुठाराघात होता है तो संतों को आगे आना पड़ता है, इसीलिए मैं चुनावी मैदान में कूदी हूँ। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, कोई भी दल अपने परफॉर्मेंस पर बात नहीं कर रहा है। प्रदेश में कांग्रेस को 4 महीने हो चुके हैं लेकिन उनके नेता अपने परफॉर्मेंस पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा बीजेपी पॉलिटिक्स में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने पिछड़े, गरीब, निरक्षर, असहाय और उपेक्षित लोगों को स्वामित्व मिले इसके लिए काम किया है। भाजपा ने योजनाएं बनाई हैं क्योंकि न विगत चुनाव में न इस चुनाव में कोई भी हमारा प्रतिस्पर्धी दल अपने परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। जिन दलों ने इस प्रदेश में 4-4.5 महीने हुए सत्ता संपादन की है वो भी अपने परफॉर्मेंस के बारे में बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और अनाप शनाप बातों के आधार पर चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका बनाए बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया है भाजपा, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने छोटी छोटी योजनाओं पर भी ध्यान दिया है। कांग्रेस में घराना पद्धति है क्योंकि कांग्रेस में वरिष्ठता विशेष घर आने में जन्म लेने के आधार पर ही होती है, इसीलिए कांग्रेस में संवेदनशीलता नहीं है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। दिग्विजय सिंह की चुनावी सभा में उस समय सभी दंग रह गए जब एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। सभा में जब दिग्विजय सिंह ने जनता से पूछा कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, तो एक युवक ने मंच पर आकर कहा जिस दिन मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की उसी दिन वसूल हो गए। इसके बाद इस युवक को धक्के देकर मंच से उतारा गया। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की सभा में एक ग्रामीण युवक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना शुरू कर दी। इस दौरान दिग्विजय पहले तो असहज नजर आए, फिर अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए। दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कालाधन, जीएसटी, नोटबंदी को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे थे। तभी दिग्विजय ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कालाधन आ जाएगा, घर घर में 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने पूछा कि यदि किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हों तो हाथ उठाओ। इस दौरान एक युवक ने हाथ उठाया तो दिग्विजय मंच पर बुला लिया, साथ ही कहा कि इस युवक का नागरिक अभिनंदन भी कराया जाएगा। युवक ने मंच पर आते ही कहा कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादियों को मारा। इतना कहते ही कार्यकर्ताओं ने युवक को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया। युवक की बात सुनते ही दिग्विजय सिंह असहज नजर आए, साथ ही गुस्से से बोले कि तेरे खाते में 15 लाख रुपए आ गए, नौकरी भी मिल गई, वाह तुम भाजपा के दलाल हो। जिसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए वो हाथ उठा दे। तुम्हारे खाते में आ गए, आ जाओ इधर आ जाओ, अकाउंट नंबर ले आओ तुम्हारा, हम तुम्हारा नागरिक अभिनंदन करेंगे, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आ गए, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा, तेरे खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे क्या बात करते हो, तेरे को रोजगार मिला क्या भाई? गुलाबी शर्ट, 15 लाख रुपए खाते में तेरे आ गए, तेरे को नौकरी भी मिल गई। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक महिला से एक व्यक्ति इस कदर परेशान हो गया कि उसने उसे शिप्रा नदी में डुबा कर मार दिया। आरोपी को लगा था कि लाश मिलने पर इसे पानी में डूबकर मरने की सामान्य घटना माना जाएगा, लेकिन जब वह महिला को डुबा रहा था तब किसी ने उसका वीडियो बना लिया और इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। 3 दिन पहले बरोठा थाना क्षेत्र के बांगरदी गांव में शिप्रा नदी में एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी। तभी पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें ये खुलासा हुआ कि महिला को पानी में डुबोकर उसकी हत्या की गई है। हत्यारा नदी के बीच पानी में महिला को मार रहा था, तब कुछ लोग चिल्लाए भी थे इसे क्यों मार रहा है, लेकिन उस तक किसी की आवाज नहीं पहुंची और उसने महिला की जान ले ली। लेकिन कुछ लोगों ने इस वारदात का वीडियो बना लिया। मृतक महिला की शिनाख्त पप्पीबाई के रूप में हुई और आरोपी इंदौर का सुरेश है। इन दोनों के लंबे अरसे से संबंध थे। महिला की रोज रोज की डिमांड से तंग आकर सुरेश ने 19 अप्रैल को पप्पीबाई को शराब पिलाई और शिप्रा नदी में नहाने ले गया और उसकी हत्या कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। थाना बरोड TI OP अहिर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। सतना में सांसद गणेश सिंह को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में उन्हें लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। जगह जगह गणेश सिंह वापस जाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद गणेश सिंह का सतना के ग्रामीण इलाकों में जमकर विरोध हो रहा है। खेरवा टोला के ग्राम वासियों ने चुनाव प्रचार के लिए आए गणेश सिंह का व्यापक विरोध कर वापस भेजा। विरोध में ग्रामीण युवाओं ने काले कपड़े पहनकर काले झंडे भी दिखाए। ग्रामीणों का कहना था कि वे हर चुनाव में आते हैं, 15 वर्षों में गांव में एक हैंडपंप तक नहीं लगवाया। गांव वाले किसी काम को जाते हैं तो सांसद के यहां से भगा दिया जाता है। आदिवासी समाज के लोग काम के लिए प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हैं और युवा वर्ग बेरोजगार है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रथम चरण के मतदान के लिए जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस और डिफेंस के 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अब तक 1.25 लाख लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी BL कांता राव ने कहा कि 7वें चरण के मतदान का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 8 लोकसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल तक नामांकन होगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। डिफेंस के 2 हेलीकॉप्टर भी चुनाव में सहयोग करेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए 1.25 लाख लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो हमारे जो सर्विलेंस टीम्स में मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी होता है, जो सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखते हैं, अखबार के कटिंग्स देखते हैं और बताते हैं कि कहीं कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ तो हम स्व प्रेरणा से उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर मामले में हमने 2 बार कॉग्निजेंस लिया है, तो ये हमारी जो सर्विलेंस है, निगरानी है, फील्ड में वीडियोग्राफर्स के माध्यम से और यहाँ मीडिया टीम के माध्यम से निरंतर 24/7 जारी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान NSA के तहत 10 बंदी जेल से मतदान करेंगे। देश के 5वें चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो गई है। उन्होंने कहा 100% निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान उनकी प्राथमिकता है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। रीवा में अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 8 सीट हारने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई है। साथ ही जिले के सभी बड़े नेता रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के लिए वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। रीवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सिद्धार्थ तिवारी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जनता का समर्थन मांगने पहुंचे। सिमरिया में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं ने सिद्धार्थ के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया। सिद्धार्थ तिवारी ने वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद ने रीवा की जनता के साथ छल किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक तरफा माहौल है, लेकिन ये कोई मेरी बड़ी होशियारी कारण नहीं हो रहा है। इसमें जनार्दन मिश्रा जी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है और एक मुझे जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये टिकट दिया है
ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 34 वर्ष के लड़के को लोकसभा का टिकट रीवा जिले में मिला है। तो मेरा ये मानना है कि आज देश 65% युवा है। रीवा में भी 11,10,000 मतदाता हैं 16,70,000 में से, जो 40 वर्ष की उम्र से कम हैं। तो जो ये सम्मान राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने रीवा के युवाओं को दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ों का भी आशीर्वाद मिल रहा है और युवाओं में बहुत ज्यादा जोश मिल रहा है। तो मुझे माहौल तो कांग्रेस की तरफ एक तरफा लग रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, भारी बहुमत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद ने जनता के हित में बारे में नहीं सोचा। वहीं उन्होंने कहा कि जनार्दन मिश्रा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वयं का खुद का अस्तित्व नहीं है। साथ ही रीवा जिले के विकास को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद कहा है कि वह रीवा से चुनाव लड़ रहे हैं और रीवा का विकास भी छिंदवाड़ा मॉडल की तरह ही किया जाएगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खंडवा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान की महिलाओं पर की गई उनकी टिप्पणी उनके गले पड़ गई है। अपने चुनावी भाषण में उन्होंने कहा, इधर से आदमी डालूंगा उधर से बाई निकलेगी। इससे महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। उधर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने नंद कुमार सिंह चौहान को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन से चूड़ियां भेजी हैं। खंडवा की एक चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान का विवादित बयान तूल पकड़ते जा रहा है। चौहान ने कहा था, राहुल नई मशीन बनाएंगे जिसमें इधर से आदमी डालोगे तो उधर से बाई निकलेगी। इस बयान के बाद खंडवा बुरहानपुर की महिलाओं ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 629 रुपए की चूड़ियां खरीद कर शाहपुर स्थित उनके पैतृक निवास पर भिजवाई हैं। सोशल मीडिया पर वेबसाइट से खरीदी का स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला विरोधी बयान का जमकर विरोध शुरू हो गया है। खंडवा में भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल जब आलू से सोना बनाने की मशीन बना सकते हैं तो वे आदमी से बाई बनाने वाली मशीन भी बना सकते हैं। ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आदमी डालूंगा और उधर से बाई निकालूंगा। ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आदमी डालूंगा और उधर से बाई निकालूंगा। नंद कुमार सिंह का यह बयान वायरल होने के बाद बुरहानपुर कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा, नंद कुमार सिंह महिलाओं के विरोधी हैं। हमारा देश मां दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई को पूजने वाला देश है। यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वह किस हद तक महिलाओं के विरोधी हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता भगत ने कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे। मातृशक्ति के बारे में ऐसे विचार रखने वाले नंदू भैया महिलाओं से माफी मांगे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हरदा में इंदौर रोड पर बने हनुमान मंदिर के पास कार और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है।
कार और डंपर की भिड़ंत सुबह के वक्त हुई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ड्राइवर कार में ही फंस गया और कार में सवार तीन पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कार में फंसे ड्राइवर को कांच तोड़ कर निकाला गया। मरने वाले सभी लोग इंदौर के रहने वाले हैं। कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर से हरदा गए थे, तभी यह हादसा हो गया। मूल रूप से सभी हरदा के ही रहने वाले हैं, लेकिन लंबे वक्त से इंदौर में रह रहे थे। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। आमने सामने की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए हैं और सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वहीं कार के शवों से निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मध्य प्रदेश राज्य आवास निगम से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए पिछले 12 सालों से 160 कर्मचारी इंतजार में हैं। पैसा देने के बाद भी ये लोग रीवा से लेकर भोपाल तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शासन ने मध्य प्रदेश राज्य आवास निगम द्वारा 160 लोगों को भूखंड आवंटित करने के लिए पत्राचार किया था, परंतु 12 साल से पूरा पैसा देने के बाद भी लोगों को उनकी जमीन नहीं मिली है। इन लोगों का कहना है कि 2006 से लेकर आज तक उन्हें भूखंडों पर पोजीशन नहीं मिल पाया है। लगातार पत्राचार करने, समाधान ऑनलाइन के माध्यम से भी शासन को अवगत कराया गया, फिर भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 82 डेवलप्ड प्लॉट है जिनका पोजीशन दिया जा सकता है। माननीय सचिव महोदय द्वारा कहा गया कि इन प्लॉटों को सिग्नेटिक बेस पे दे दिया जाए। 24 जून 2014 को लेटर भी जारी कर दिए गए कर्मचारी आवास निगम द्वारा, लेकिन भूखंड का पोजीशन नहीं दिया गया। बाद में पता करने पर बताया गया हमें कि वहाँ भूमि वास्तव में नजूल रिवर की, जिसका अग्रिम अनुपत्ति उन्हें दे दिया गया है 1996-97 में, और उसमें कुछ 48 लाख रुपये के आसपास भी आवास निगम द्वारा कलेक्टर रिवर के अकाउंट में जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन आज तक नजूल रिवर द्वारा उस भूमि का नामांतरण आवास निगम के पक्ष में न होने की वजह से हम सबको भूखंड प्राप्त नहीं हुआ। उसमें प्लाट आवंटन हुआ था 2006 में, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से अलाटमेंट का ऑफर आया था, उन्होंने फॉर्म भरे हैं, उसके बाद बोले जमीन मिल जाएगी हम लोग। प्रशासन हमने साथ गलत काम किया है, प्रशासन ने दोहराया हम लोग यहाँ से बल्ला हो जाते हैं, रिवा आते हैं, कलेक्टर कहता भोपाल जाओ, भोपाल जाए तो कलेक्टर रिवा कहो, इधर से उधर दौड़ा रहे, बाकी कुछ नहीं हो रहा, परेशान करते चले हैं। रीवा के साथ अन्य जिले में भी राज्य आवास निगम ने कॉलोनियां बसाई थी, जहां लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है, लेकिन रीवा के सरकारी कर्मचारी अभी तो अपने हक की जमीन मिल जाए इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बारे में कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही इस बारे में नियमानुसार कुछ किया जाएगा। ये कुछ शिकायत आई थी इस संबंध में, अभी मैंने जो सरसरी तौर पर देखा है तो उसका प्रव्यय जो भूभाटक निर्धारित नहीं हुआ था, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब उसकी क्या लीगल स्थिति है, क्योंकि ये 2007 के बाद भूमि आवंटन के नियमों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कुशाभाऊ ठाकरे वाले प्रकरण में जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार अब भूमि आवंटन का पूरा जो तरीका ही वही बदल गया है। अगर इनकी भूमि आवंटित पहले से होगी, नियमानुसार एग्रीमेंट होगा, तो मैं विचार करूँगा, अन्यथा अगर नहीं होगा तो फिर नए नियमों के अंतर्गत ही परीक्षण हो पाएगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। फिल्म अभिनेता सनी देओल भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा मुख्यालय में सनी देओल को रक्षा मंत्री और भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि सनी ने फिल्मों में देशभक्ति का जज्बा दिखाया, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि दिल से जज्बात नजर आते हैं, उनकी फिल्में देशभक्ति के लिए प्रेरित करती हैं, सनी देओल लोगों की नब्ज समझते हैं। वहीं सनी देओल ने कहा कि मैं मोदी जी से जुड़ने आया हूँ और चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही पीएम बने। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने सनी देओल को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। माना जा रहा है कि सनी देओल को गुरदासपुर सीट से टिकट दिया जा सकता है। गुरदासपुर सीट पर पिछली 4 बार से भाजपा का कब्जा है और विनोद खन्ना यहां से विजयी होते आए हैं। उनके निधन के बाद पार्टी यहां से नया उम्मीदवार खोज रही थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सनी देओल ने कहा कि मैं मोदी जी से जुड़ने आया हूं और चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही पीएम रहे। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो जो आप कह रहे हैं उससे मुझ में एक
एक हिम्मत दी है कि जरूर, जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। जर्जर भोपाली अब आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहे हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई कदम थे, आज तो मेरा दिमाग है ना बहुत ही दुखी हो रहा है, बता रहे हो दिमाग। हाँ, ऐसी ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं। 8 ब्लास्ट हो गए श्रीलंका में, बताओ। ये वहाँ लोग प्रेयर कर रहे थे चर्चों में, इनको उड़ा दिए बम से। और मैं बता नहीं, ये जाहिल बना पता नहीं कब तक चलेगा। ये इनको कोई अकल क्यों नहीं दे रहे, ये दूसरे लोगों को उड़ा देते हैं, खुद भी उड़ जाते हैं। ओ मैं इंसानों इंसानों की तरह रहो, कोई दिमाग लाओ यार, कुछ अच्छे काम करो। इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए भेजा है सबको, है नहीं तो जंगलों में जाओ भाव मारो कटो आपस में, बता रहे हूँ, जानवरों के बीच रहो। मेरे बहुत दिमाग खराब हो रही है। और ये खबर ये देख लो, ये दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि ये भोपाल को ग्लोबल टाउन बनाएंगे। और मुझे लगता है ग्लोबल टाउन में क्या बिजली रहती है कि नहीं रहती, सड़कों पर गड्ढे रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि पहले इनके शासन काल में तो यही चलता था। और हो सकता है भैया परिक्रमा कर ली इन्होंने, नर्मदा की परिक्रमा कर ली, कुछ चेंज वेंज हो गया हो तो बात अलग है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता ग्लोबल टाउन होता क्या है। और ये प्रज्ञा भारती देख लो इनको भैया, जब से आई है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रही हैं कॉन्ट्रोवर्सियल। अभी इन्होंने बोला है वो ढांचा मैंने गिरा है, ये बुरा है। अब मैं कह रहा हूँ अब तो ये रहा है, बनाने की बात करो, पॉजिटिव बातें करो भैया। ये भोपाल के लिए आप क्या करोगी, लोग यही पूछ रहे हैं मेरे से। हाँ, तो पॉजिटिव बातें करना चाहिए, इन बातों में कुछ रखा नहीं है, बता रही हूँ। भाई साधु संत आप अच्छी बात है, साधु हैं, लेकिन चुनाव में आ गए, आप इलेक्शन हो में आ गए, आप कूद पड़े, पॉलिटिशियन हो गए, तो थोड़ा डिप्लोमेसी सीखना पड़ेगी, बता रही हूँ। डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, ये स्वच्छंद मन नहीं चलेगा। हाँ, और ये खबर ये देख लो, मोदी जी कल कह रहे थे कि वो अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो कत्ल की रात हो जाती। और मैं बता रही हूँ वो तो हमें भी पता है, इसलिए तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये सब बातें हैं ना आप बंद करो। और मैं कह रहा हूँ आप कुछ अच्छी बातें करो, ये बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे सुरेश महेश गणेश और असलम भाई वगैरह सब, ये PhD की डिग्रियाँ ले लिए घूम रहे हैं, इनको कुछ रोजगार वगैरह दिलवाओ, उसकी बातें करो, वो अच्छी बात है। हाँ, पॉजिटिव बता रही हूँ, तब तो और जोश बढ़ेगा हमारा। हाँ, और ये खबर ये देख लो, ये प्रियंका जी आ गई हैं। अब ये कह रही है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और सबसे कमजोर सरकार है इनकी। मैं बता रही हूँ लोगों को उम्मीद है कि आप आई हैं तो कुछ अच्छी बातें करोगी, आपने ही वही शुरू कर दिया, छिछालेदारी एक दूसरे की। मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छा विजन लाओ कि हमारा विजन ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तब तो कुछ है जनता में, तभी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ, और आजकल मैं बता रहा हूँ नेता है ना भिड़भड़ाए घूम रहे हैं, कोई पंडितों के पास जा रहा है कुंडलियाँ वगैरह ले लेके, अपनी जन्म कुंडलियाँ दिखा रहे हैं कि हमारा क्या होगा ये होगा। कल एक मेरे पास आ गया, हाथ दिखा रहा था मेरे को, और मैंने उसका हाथ देखा तो मैंने भैया तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, इसमें भ्रष्टाचार की लाइन है। हाँ, तुम्हारा तो मंत्री बनना तय है, बता रहे हो ऐसा तो चल गया है। और मैं भी जा रहा हूँ भैया अपना भाग भाग दिखाने के लिए पंडित जी को, है ना। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।